जय जवान जय किसान नमस्कार किसान भाइयों आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी योजना में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तत्काल ट्रैक्टर योजना दो हज़ार उन्नीस के बारे में दोस्तों अब हर किसान के पास होगा ट्रैक्टर अपना इस योजना के तहत ट्रैक्टर लोन योजना शुरू की गई है जिसमें आपको मात्र अड़तालीस घंटों में ट्रैक्टर आपके अपने घर में होगा और इसके साथ दोस्तों आपको क्या मिलेगा चार लाख रुपए तक का बीमा भी आपको फ्री मिलेगा तो इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप पूरा देखें तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी ये योजना आपको कैसी लगी तो अन्य जितनी भी सरकारी योजनाएं आती हैं उनके वीडियो भी हमने बनाकर चैनल पर डाल रखे हैं तो हमारे वो अन्य वीडियो भी देखें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का वीडियो भी है इसके अलावा जो सुमंगलम कन्या योजना है उसका वीडियो भी बना रखा है जितनी भी सरकारी योजनाएँ आती हैं उनका वीडियो बनाकर हम डालते हैं तो आप हमसे जुड़े रहें यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें तब तो उसके पास जो घंटे का सर बना हुआ है उस घंटे के निशान को जब तक आप नहीं दबाएंगे तब तक आपको जो भी नई सरकारी योजना आएगी उसकी सूचना आपको नहीं मिल पाएगी तो उसको भी आप जरूर दबा लें अब दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं सरकारी योजना के तहत तो तत्काल ट्रैक्टर योजना दो है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं तो दोस्तों हाल ही में जो एस बैंक है उसने तत्काल ट्रैक्टर लोन योजना की शुरुआत की है जिसमें आप मात्र 48 घंटे में अपना ट्रैक्टर लोन ले सकते हैं अप्रूव करवा सकते हैं जिसमें आपको ब्याज दर भी दोस्तों बहुत कम देनी पड़ेगी इसके अलावा जो कोई भी प्रक्रिया शुल्क है वह भी आपका जीरो रुपये होगा मतलब कुछ भी नहीं लगेगा दोस्तों हमारा मकसद क्या है कि हमारा मकसद है कि सभी जो भारतीय हैं सभी अपने भारतीय भाई हैं वो तक सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना है जिससे हर किसान हर युवा हर बेरोजगार सभी सरकारी योजनाओं का जो फायदा उठाकर लाभ उठाकर अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकें तो इस कार्य में आप हमारा सहयोग कर सकते हैं आप हमारे वीडियो को हमारी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा कर इसे सब तक योजनाओं का लाभ पहुँचा सकते हैं तो इसके बारे में शुरू करते हैं दोस्तों कि तत्काल ट्रैक्टर लोन योजना की प्रमुख विशेषताएँ एवं फायदे ये जानकारी दोस्तों संपूर्ण जानकारी है वह एस बी आई की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है तो इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी सारी जानकारी एकदम सही है तो प्रमुख विशेषता देखते हैं दोस्तों ये बंद कर रहित तो ट्रैक्टर लोन होगा इसमें दोस्तों केवल 48 घंटे में अंदर लोन मंजूरी यानी आपको दो दिन में आपका लोन मंजूर हो जाएगा कम ब्याज दर है ब्याज दर भी दोस्तों इसमें बहुत कम लगने वाली है तो आप जल्दी अपनी नजदीकी एस ब्रांच में जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लें तथा फॉर्म भर दें किसी प्रकार का कोई प्रक्रिया शुल्क नहीं मतलब किसी भी प्रकार का जो प्रक्रिया प्रक्रिया शुल्क अन्य बैंकों में अन्य लोन लेते हैं उसमें लगता है वो इसमें नहीं लगने वाला आपका इसके अलावा दोस्तों विशिष्ट प्रकार की चुकौती सुविधा है मतलब आप ट्रैक्टर लोन लेते हैं ट्रैक्टर की किस्त बनवाते हैं डीलर से सीधी तो उसमें आपको दोस्तों तो किस्तें आती हैं वो आपको मासिक आती हैं द्विमासिक आती हैं लेकिन इसमें दोस्तों आपकी मासिक भी आप बनाना चाहें तो मासिक आ सकती है इसके अलावा तिमाही यानी तीन महीने से आप किस्त देना चाहें तो आप तीन महीने से दे दे सकते हैं और यदि छः महीने से देना चाहें तो छः माह से भी आप किस्त अदा कर सकते हैं नेक्स्ट है दोस्तों तत्काल ट्रैक्टर लोन पात्रता तो इसकी पात्रता क्या है जिससे आपको ये लोन मिल जाए तो इसकी पात्रता है दोस्तों कि सभी किसान ऐसे संयुक्त ऋणी जो स्वयं खेती का कार्य करते हैं मतलब उन सभी किसान इसके लिए योग्य हैं जो खेती का कार्य करते हैं और उनके पास कम से कम दो एकड़ कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए मतलब तो दो एकड़ कृषि योग्य भूमि है तो वो इस ट्रैक्टर लोन का फायदा ले सकते हैं नेक्स्ट है तत्काल ट्रैक्टर लोन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या जरूरी कागज है वो चाहिए होते हैं तो वह है दोस्तों जो प्रारंभ में आप जब बैंक में जाएंगे तो आपको क्या साथ लेकर जाना है वो मैं आपको बता रहा हूं जो पहला कागज़ है वह है दोस्तों विधिवत रूप से भरा हुआ आवेदन फार्म जो आवेदन फार्म आपको कहाँ से मिलेगा वो अपनी नज़दीकी एस जो कृषि कार्य करती है एस ब्रांच उसमें जाकर वह अपना फॉर्म ले आए इसके अलावा भूमि का दस्तावेजी प्रमाण पत्र यानी आपकी जो जमाबंदी की नकल है वह जमाबंदी आपको साथ में रखनी है इसके अलावा पासपोर्ट आकार के तीन नए फ़ोटो जिसमें दो एकड़ की भूमि होनी चाहिए था जो नए फोटो होने चाहिए वो तीन आपको नए फोटो लेकर जाने हैं इसके अलावा पहचान प्रमाण पत्र जिसमें या दोस्तों मतदाता पहचान वोटर आई कार्ड हो गया पैन कार्ड ले जा सकते हैं आधार कार्ड ले जा सकते हैं अपना पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस इनमें से कोई भी हो चलेगा नेक्स्ट है पता प्रमाण पत्र यानी मतदाता पहचान कार्ड वोटर कार्ड हो गया पासपोर्ट हो गया आधार कार्ड हो गया ड्राइविंग लाइसेंस हो गया इनमें से कोई भी आपको एड्रेस प्रूफ करने के लिए कोई एक जरूरी है इसके अलावा दोस्तों डीलर द्वारा ग्राहक को जारी ट्रैक्टर का कोटेशन आप जिस कंपनी से ट्रैक्टर लेना चाहते हैं जैसे आप महिंद्रा से लेना चाहते हैं सोनालिका से लेना चाहते हैं तो उस डीलर के पास जाइए तो वो आपको एक ट्रैक्टर का कोटेशन बनाकर देगा तो उस कोटेशन फॉर्म को आप बैंक में जाकर जमा करवाएं जिससे आपका लोन जल्दी से जल्दी अप्रूव हो सके दोस्तों संवितरण से पूर्व है, मतलब ये इतनी प्रक्रिया आपको करने के बाद में आपको क्या करना होगा इसमें दोस्तों आपको विधिवत रूप से निष्पादित ऋण दस्तावेज मतलब बैंक ने आपको कह दिया कि आपका लोन अप्रूव हो जाएगा उसमें विधिवत रूप से जो आपको ऋण दस्तावेज बनाएगा बैंक वह ऋण दस्तावेज आपको साथ में रखने हैं इसके अलावा अड़तालीस या साठ उत्तर दिनांकित चेक यदि आप अड़तालीस किस्त बनवा रहे हैं ट्रैक्टर की बाकी चीज जमा करवाने की तो आपको अड़तालीस चेक देने होंगे यदि साठ किस्त बनवा रहे हैं तो साठ जो चेक है वो आपको बैंक को देने होंगे नेक्स्ट है सरण के बाद तो सितरण के बाद में क्या होगा दोस्तों तो बैंक के पक्ष में बंधक पर बहार के साथ आर सी बुक डीलर द्वारा चारी मूल इनवॉइस या बिल जो डीलर ट्रैक्टर का जो आर सी देगा आपको वह आपको मूल जो ओरिजिनल है वह आपको जमा करवानी होगी तो यह है लोन लेने की संपूर्ण प्रक्रिया होगी दोस्तों तो इसके अलावा आपको कितना ब्याज लगने वाला है वह मैं आपको बता रहा हूँ कि लेटर प्रतिभूति यानी मार्जिन राशि के रूप में स्वीकृत टी पर ग्रहणाधिकार यानी जो आपकी मार्जिन राशि है उस पर जो स्वीकृत टी लगेगा उसका ग्रहणाधिकार भी आपका होगा नेक्स्ट है मार्जिन कितना होगा दोस्तों यानी आपको पहले कितनी रकम जमा करवानी होगी तो वह है बीमा एवं रजिस्ट्रेशन प्रभावों सहित ट्रैक्टर की लागत का कम से कम 25 प्रतिशत तो आपको देना ही होगा यानी जैसे आपको मान के चलिए कि आपका एक लाख रुपए का ट्रैक्टर है उसमें बीमा और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका एक साथ हो जाएगा चार लाख का आपका दुर्घटना बीमा भी, भी होगा तो टोटल आपका जैसे मान लो दस लाख का बन रहा है तो दस लाख में से आपको कितनी राशि पहले देनी पड़ेगी तो दस लाख का जो एक बट्टा चार प्रतिशत है पच्चीस प्रतिशत है वो आपको पहले देना पड़ेगा तो आप एक लाख का पच्चीस हजार आपको देना पहले पड़ेगा तो नेक्स्ट है दोस्तों ब्याज की दर तो ब्याज की दर क्या लगेगी तो ब्याज की दर है यदि आप पहले पच्चीस प्रतिशत राशि जमा करवाते हैं तो दोस्तों आपकी जो ब्याज दर होगी वह ग्यारह पॉइंट दो जीरो प्रतिशत होगी यदि पैंतीस प्रतिशत राशि आप पहले जमा करवा देते हैं तो दस पॉइंट नौ पाँच प्रतिशत आपकी प्रभावी ब्याज दर होगी यदि आप पचास प्रतिशत राशि पहले जमा करवा देते हैं तो दस पॉइंट पाँच पाँच प्रतिशत आपकी प्रभावी ब्याज दर होगी जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा आप करवा सकते हैं इसके अलावा दोस्तों यह एक पाँच दो हजार सोलह से प्रभावी है यानी यह योजना अभी भी जारी है तो प्रक्रिया प्रभार एवं शुल्क जैसा मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि आपका कोई भी प्रक्रिया प्रभार शुल्क नहीं लगने वाला है तो उसके बारे में दोस्तों बता दूं आपको कि पूर्व भुगतान के लिए आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा प्रक्रिया शुल्क आपका कुछ नहीं लगने वाला है आंशिक भुगतान है वह भी आपका दोस्तों कुछ नहीं लगेगा यदि आप डुप्लीकेट नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी दोस्तों आपका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है इसके अलावा दोस्तों विलंब भुगतान दंड यानी विलंब भुगतान दंड है तो वह कितना लगेगा तो ये दोस्तों यदि आप विलंब करते हैं किस्त देने में जमा करवाने में तो आपके जो अपत किस्तें हैं उन पर एक प्रतिशत तो वार्षिक लगेगा जो कि बहुत ही कम है नेक्स्ट है स्थायी अनुदेशों का पालन में होना यानी स्थाई अनुदेशों के अनुसार जो पालन में होगा तो उसमें आपको दो सौ तिरपन रुपये की राशि आपको चार लगेगी ई एम का भुगतान नहीं करने पर यदि आपकी किस्त आई है यदि आपने वह किस्त इस महीने की तारीख तक जमा नहीं करवाई है तो वह दोस्तों प्रति ई आपका पाँच सौ का चार्ज है वह आपको लगेगा नेक्स्ट है लोन चुकाने की अवधि तो आपको लोन है वो कितने समय में चुकाना है तो दोस्तों वो आपको 48 महीने में चुका सकते हैं साठ महीने में चुका सकते हैं तो दोनों में आपको जैसा आपको उचित लगे वैसा आप लोन चुका सकते हैं तो यह है लोन चुकाने की अवधि हो गई इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट है आवेदन कैसे करें तो आवेदन करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आवेदन फॉर्म आप मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी वह डिटेल आप लेकर अपने नजदीकी जो एस ब्रांच है जो कृषि संबंधी कार्य देखती है तो उस ब्रांच में जाकर आप अपना आवेदन अप्लाई कर सकते हैं मैनेजर से जाकर बात कर सकते हैं जैसे आपका लोन जल्दी से जल्दी अप्रूव होगा दो अड़तालीस घंटे में अप्रूव हो जाएगा और आप अपना ट्रैक्टर आप अपने घर ला सकते हैं और ट्रैक्टर किसान के दोस्तों एक बहुत ही आवश्यक वाहन हो गया है जिससे किसान को खेती में बहुत हेल्प मिलती है दोस्तों इस योजना से संबंधित यदि आपके मन में अभी भी कोई डाउट रह रहा है अभी भी कोई क्वेश्चन है तो उससे संबंधित आप एस पी शाखा में संपर्क करें या आप आप हमें नीचे कमेंट करके बता पूछ लें हम आपको वह राय दे देंगे दोस्तों इस जो वेबसाइट का लिंक है वह हमने नीचे दे दिया है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी ये पूरी डिटेल देख सकते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दें जिससे सभी इसका फ़ायदा उठा सकें यदि आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो उसके बाद जो घंटे का सर बना हुआ है उस घंटे के निशान को भी जरूर दबा दें जिससे हमारे आगे आने वाली सभी सरकारी योजनाओं की सूचनाएं तुरंत वीडियो डालते ही आपको मिल सके ता आप इसका फ़ायदा उठा सकें इसके अलावा दोस्तों आप अब सभी किसानों को मिलेंगे छः हजार रुपये यानी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसके बारे में भी नीचे लिंक दिया है उस पर जाकर विस्तृत आप पढ़ सकते हैं धन्यवाद दोस्तों जय जवान जय किसान